दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा आके आपका चैनल प्रमोट कर दे या कोई बड़ा यूट्यूबर आके आपका चैनल प्रमोट कर दे या आप पैसे भर के अपने चैनल की प्रमोशन करवा लें, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा लें, 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करवा लें, तो आपका चैनल जो है वो बूस्ट पकड़ेगा, वो ग्रो हो जाएगा और वहां से आप फ्यूचर में अर्निंग कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ क्योंकि इस पार से मैं गुजर चुका हूं। मैंने अपना चैनल प्रमोशन के लिए दिया था, एक फीमेल से जिन्होंने मेरा चैनल प्रमोट किया था, जी हाँ प्रमोट किया था, मुझे सब्सक्राइबर भी मिले थे, मुझे व्यूज भी मिले थे, जिसका खमियाजा मैं अभी अदा कर रहा हूं। प्रमोशन की वजह से मेरा चैनल डेड हो गया। आपको बताता हूं कि A to Z क्या स्टोरी बनी। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए, अगर आपके चैनल के ऊपर एक सब्सक्राइबर डेली का आता है, दो आते हैं, तीन आते हैं, अगर कभी कभी नहीं आता तो आपने बेफिक्र रहना है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपके बहुत ज्यादा डाउट जो है वो क्लियर करूंगा। हो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कीजिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल का प्रमोशन करवाया। प्रमोशन करने से पहले तकरीबन 6 महीने पहले मैं उसके ऊपर काम कर रहा था, तो मेरा चैनल जो है यूट्यूब ने उसको एक्सप्रेशन उसको थोड़ी सी बूस्ट करना शुरू कर दिया था। उससे उन्हीं दिनों मैंने चैनल को प्रमोशन के लिए एक बंदे को कह दिया, एक फीमेल थी जिन्होंने मेरे चैनल को प्रमोट भी किया, तकरीबन उसके ऊपर 200 से ज्यादा सब्सक्राइबर मिले, व्यूज भी मिले। तो उसका खमियाजा कुछ दिन के बाद ही मुझे नजर आना शुरू हो गया कि जो सब्सक्राइबर मेरे पास आए थे, सपोज करो मैं एक बड़ा यूट्यूबर हूं, आप मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार शायद भाई मेरा चैनल जो है प्रमोट कर दें, मैं कहता हूं यार ठीक है, आपका आप मेहनत करें, आपका चैनल मैं प्रमोट कर देता हूं। अब आपका कंटेंट है टेक के रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड, या है कि पोएट्री के रिलेटेड या सॉन्ग के रिलेटेड। अब कोई बंदा है जो इंटरेस्ट नहीं रखता टेक में, अगर आप कह रहे हैं अपनी ऑडियंस को, मैं अगर कह रहा हूं यार आप इस चैनल को जाके सपोर्ट करें, आप सब्सक्राइब कर दें ताकि उसका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना मुश्किल काम नहीं होता। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए जो कि एक्टिव सब्सक्राइबर हो, ना कि ऐसे सब्सक्राइबर जो कि इनएक्टिव हो। आप वीडियो अपलोड करें उसका आप उन लोगों के पास नोटिफिकेशन भी जाए आपकी वीडियो का, तो वो लोग आपकी वीडियो ना देखें, तो ये टारगेट करता है आपके CTR को, जो कि आपकी मतलब चैनल की ग्रोथ को डेड कर देता है, आपके चैनल को डेड कर देता है, जिससे आपका चैनल जो है बूस्ट नहीं पकड़ सकता, आप अपने चैनल से अर्निंग भी नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता दूं, जब लोग आपकी वीडियो नहीं देखेंगे तो YouTube समझेगा कि आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल बेकार है, जो कि लोग देखना ही नहीं पसंद करते। लोग आपके जो सब्सक्राइबर हैं आपकी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रमोशन हमारे पाकिस्तान में मतलब जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं उन्होंने शुरू कर दिया है। जो शुरुआत की थी वो हमारे थे अपना हाफिज दस्तगीर भाई साहब। अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे पहले ही माजरत कर लेता हूं क्योंकि मैं आपका नाम ले रहा हूं। आपने ये जो प्रमोशन शुरू कर दिया है, डेली बेसिस पे आप 5 चैनल 4 चैनल 6 चैनल इस तरह प्रमोट करें, 5-5 चैनल की भी आपकी वीडियो आ रही है। मैं आपका स्टार्ट से ही सब्सक्राइबर हूं, तकरीबन आपके 15-1000 सब्सक्राइबर थे तब से मैंने आपको सब्सक्राइब किया था। आपको वॉच भी करता हूं आपकी जितनी भी वीडियो आते हैं, कुछ वीडियो आपकी रह जाती हैं क्योंकि मैं भी जॉब करता हूं तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल सकता, वीडियो बनानी होती है, मैंने भी कंटेंट देखना होता है कि मैंने किस चीज पे वीडियो बनानी है। सो मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रमोशन चला रहे हैं तो आप प्रमोशन में एक बात जरूर कीजिएगा कि जिस कैटेगरी का चैनल है आप पहले उसको चेक कर लिया करें। जिस कैटेगरी का चैनल हो आपने अपनी ऑडियंस को कहना है जो लोग टेक में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग आके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भाई अच्छा कंटेंट बनाते हैं उसका कंटेंट आप लाजमी वॉच किया करें। कोई ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियो बनाता है वो आपके पास चैनल आता है ग्रोथ के लिए, वो आपका विनर होता है, तो आपने अपनी ऑडियंस को ये कहना है कि जी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड ये वीडियो बनाते हैं, जो भी बंदा इंटरेस्ट रखता है ऑनलाइन अर्निंग में तो वो बंदा इस चैनल को सपोर्ट करे, सब्सक्राइब करे और उसकी वीडियो जो है आने वाले फ्यूचर में एक दूसरे को सपोर्ट करें और उसकी वीडियो भी वॉच करें। तो इस तरह आपकी प्रमोशन जो है वो चलेगी। ये तरीका नहीं है कि आप कह देते हैं अपनी ऑडियंस को जी जाके आप सब्सक्राइब करें। मानता हूं एक्टिव सब्सक्राइबर हैं। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि एक बंदा टेक के रिलेटेड टेक में आना ही नहीं चाहता, तो उसने टेक वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो आप ये देखें कि कितने लोग हैं जो टेक में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत ही कम लोग हैं। तो इतने ज्यादा लोग पोइट्री वाले, शायरी वाले,
और ऑनलाइन अर्निंग में बहुत कम लोग हैं, और इसके अलावा भी बहुत बहुत सी कैटेगरियां फैशन वाले हैं जो इसके अलावा व्लॉगिंग वाले हैं, वो आके उस बंदे को सब्सक्राइब तो कर देंगे लेकिन उसके व्यूज नहीं आएंगे। फिलहाल आएंगे वो खुशी के मारे खाना नहीं खाएगा, उसको नींद नहीं आएगी, मतलब उसके साथ क्या क्या नहीं होगा। एक हफ्ता खुश होगा, उसके बाद उसका चैनल ऐसा डेड होगा कि वो माथा पकड़ के बैठ जाएगा, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ ही नहीं आ रही, मेरा चैनल जो है ग्रो नहीं कर रहा। हाफिज भाई, आपने जो ये मुहिम चलाई है, आपकी मुहिम को देख के बड़े बड़े यूट्यूबर भी ये काम कर रहे हैं, लिहाजा इसके ऊपर आप गौर कीजिएगा। ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो इस बात को समझते हैं, इस बात से एग्री करते हैं कि वो इस चीज को, इस मुहिम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप इस बात के ऊपर जरूर अमल कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपका कोई भी इशू हो, अगर कोई भी पॉइंट आप मैंने गलत बोल दिया हो, तो अगर आपका कोई पॉइंट हो तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है ताकि मैं भी उस गलती को सुधार सकूं। हाफिज साहब से एक रिक्वेस्ट करनी थी, नाराज नहीं होना, आपने कोऑपरेट करना है दोस्तों। हाफिज भाई से भी माजरत कर रहा हूं। तो आप जो भी कंटेंट दे रहे हैं, जितने भी सब्सक्राइबर दे रहे हैं, आपको उनको एक्टिव दीजिए ताकि उनका चैनल जो है डेड ना हो आने वाले वक्त में, उनका CTR कम ना हो, उनका चैनल ग्रो कर सके। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको इसमें एक शेर सुना देता हूँ, शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। दोस्तों, ऐसा ऐसा आप इसके ऊपर मतलब जो वीडियो है बनाते रहे, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। ऐसा वक्त आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके चैनल पे व्यूज कहाँ से आ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर कहाँ से आ रहे हैं, आपको समझ भी नहीं लगेगी। मेहनत करते जाएं, मेन टारगेट होता है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वाइटम कंप्लीट करना। जब ये हो जाते हैं तो आपका एक भी वीडियो वायरल हो जाए तो आपके जितने भी पीछे वीडियो पड़े होते हैं वो ऐसा ऐसा वायरल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी बंदे की एक वीडियो को ओपन करते हैं तो उसी बंदे की ऑटोमेटिक आपके नीचे वीडियो आ जाती है, जिसको आप मतलब ना चाहते हुए भी उस वीडियो को आप देख लेते हैं। तो इस तरह चैनल आपका ग्रो हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।